हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स एनिक्स एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो बोहर के थ्योरी थे हाइड्रोजन एटम के लिए और वहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना रेडियस वेलोसिटी कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड द मैकेनिकल एनर्जी सो अकॉर्डिंग टू बोहर हमारे पास क्या था वी हैव अ न्यूक्लियस अ पॉजिटिव कोर और न्यूक्लियस राइट और उसके अराउंड हमारा क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियस राइट और जहां पे आप लोगों का जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज होता है प्लस जेड ई और जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है माइनस ई तो आप लोगों का जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कितना है प्लस जेड ई और जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना होगा माइनस ई ओके तो फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू वन एज ऑल नो दैट ठीक है तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ ही सर्कुलर ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करने पर मजबूर कर रही है हमें पता है फॉर सर्कुलर मोशन वी नीड सेंट्रीपिटल फोर्स और यहाँ पर जो एक्चुअल में सेंट्रिपिटल फोर्स का, का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है हमारी कुलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओके तो यूजिंग इक्वेटिंग बीस टू फोर्सेस हमारी जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो इक्वल किसके हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के राइट तो टू कीप द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन दी सर्कुलर ऑर्बिट राइट तो हमें पता है सेंट्री फिल्टर फोर्स कितनी होती है हमारी एम वी स्क्वायर अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कितनी होती है हमारी के क्यू वन Q2 टू अपॉन में R का स्क्वायर तो हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो हमारा चार्ज वन है यानी कि चार्ज वन कौन सा हमारा मान लीजिए चार्ज वन है हमारा न्यूक्लियस का न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि ZE और चार्ज Q2 क्या है हमारा माइनस का E। राइट right? यहाँ पे प्लस माइनस अगर हम लोग अभी ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओके okay, स्टूडेंट्स अभी सिर्फ समझने के लिए हम लोग इक्वेशन बनाते हैं बस यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है राइट तो यहाँ से हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगी एक आर से एक आर कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है वो क्या है एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन ये इक्वेशन जो है हमारी आगे काइनेटिक एनर्जी को निकालने में काम आएगी ठीक है इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन मान लिया है यहीं से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं वो कितना आ जाएगा के जेड ई का स्क्वायर अपॉन एम वी का स्क्वायर राइट ये हमारा रेडियस आया ठीक है अब यहीं से एक्चुअल में जो हमारा रेडियस आ रहा है वो वेलोसिटी के टर्म्स में आ रहा है बट हम लोगों को उन्हें न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के टर्म्स में निकालना है मतलब एन के टर्म्स में एच के टर्म्स में जेड के टर्म्स में ई e के टर्म्स में बट वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बहुत सी क्वांटाइजेशन कंडीशन देखिए बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ओके तो बहुत सी क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई अब हमें बताया एल क्या आता है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई तो यहाँ से अगर मैं आर निकालूँ स्टूडेंट्स तो वो क्या आ रहा है एन एच अपॉन एम वी टू पाई राइट तो जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है और जो मेरी थर्ड इक्वेशन आई है इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कंपेयर करेंगे सेकेंड और थर्ड को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वी का स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी टू पाए बीस एम से एम कैंसिल आउट एक वी से एक वी कैंसिल आउट तो यहाँ से आप लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा स्टूडेंट्स और वो क्या मिलेगा के जेड ई स्क्वायर टू पाई डिवाइडेड बाय एन एच ये जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है दिस इज़ द फॉर्मूला एक्चुअल फॉर्मूला फॉर दी हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एटम राइट यहाँ पे आप लोग किसी भी ऑर्बिट के लिए जो भी आपका ऑर्बिट का नंबर है एन की वैल्यू रख के और आप लोग उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता सकते हैं आप लोगों को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को अपना Z की वैल्यू रखनी पड़ेगी कौन से एटम के लिए या कौन से न्यूक्लियस के लिए और N की वैल्यू कौन सी ऑर्बिट के लिए तो यहाँ से आप लोग सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ऑफ पर्टिकुलर एटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ओके यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को दिस इज द वेलोसिटी फॉर्मूला ओके नेक्स्ट हम हम लोग क्या करेंगे ये जो वेलोसिटी की वैल्यू पुट दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन दी इन दी सेकेंड इक्वेशन ठीक है पुट दी वैल्यू ऑफ वी इन सेकेंड इक्वेशन तो यहाँ से हम लोगों को आर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स तो यहाँ से हम लोगों को आर मिल जाएगा एन एच अपॉन टू पाई एम डिवाइड में टू पाई के जेड ई स्क्वा में एन एच तो यहाँ से आर आपको क्या मिल गया एन स्क्वाच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर दिस इज दमूला ऑफ रेडियस फॉरन एटम ठीक है ये रेडियस का फॉर्मूला है फॉरन ऐटम यहाँ देखिए जो आप लोगों का रेडियस निकल कर आया वो किस किस टर्म्स में है जेड के टर्म्स में है और एन के टर्म्स में इन्ही टर्म्स में हम लोगों को रेडियस चाहिए था ओके सो स्टूडेंट्स इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द Radius of innermost orbit of the hydrogen atom, then the radius of the radius of innermost orbit of hydrogen atom.

जो आपका एच है उसकी वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस का थर्टी फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर पाई की वैल्यू रखो थ्री पॉइंट का स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन आई थिंक आई हैव मिस समथिंग के यहाँ पर के भी आएगा ओके मास के की वैल्यू नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन जेड की वैल्यू वन एंड ई की वैल्यू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन का स्क्वायर आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ आर नॉट इक्वल्स टू फाइव पॉइंट टू नाइन इंटू टेन टू द माइनस इलेवन मीटर्स और वी कैन राइट इट एज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट फाइव थ्री अंग ये हमारा रेडियस होता है ओके मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस ओके नाउ लेट अस फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओके एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वी विल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी का स्क्वायर मैंने स्टूडेंट्स शुरू में ही आप लोगों को एम वी स्क्वायर की वैल्यू बताई है एम वी स्क्वायर कितना है आपका के जेड ई का स्क्वायर बाय आर तो वही वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दीजिए ठीक है आपकी एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है के जेड ई स्क्वायर बाय आर तो यहाँ से आप लोगों को कायटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई सिमिलरली आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है वो क्या होता है के चार्ज वन चार्ज टू डिवाइडेड बाय आर तो यहाँ पे आप लोगों का जो चार्ज वन है वो क्या है जेड ई सेकेंड चार्ज जो है वो आप लोगों का माइनस में है डिवाइडेड बाय आर तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिलेगा माइनस के जेड ई का स्क्वायर बाय आर राइट तो जो आप लोगों को टोटल एनर्जी मिलेगी वो कैसे मिलेगी काइनेटिक एनर्जी में प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ से हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर में माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर तो यहाँ से के जेड ई बाय आर की वैल्यू बाहर रखी है हाफ में माइनस वन तो कितना आ गया माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर आप इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं अगर आपको आर के टर्म्स में नहीं एन एच के टर्म्स में निकालना है अपना फॉर्मूला तो पुट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस केस आर की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर राइट तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वेयर e तो यहाँ से आप लोगों को जो टोटल एनर्जी है वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स माइनस टू पाई स्क्वा स्क्वायर जेड स्क्वायेर ई की पावर फोर एन स्क्वायर एच स्क्वायर दस इज दोटल एनर्जी Of the atom. The negative value of the total energy indicates that the electron is bound to the nucleus by means of electrostatic attraction and some work is required to be done to pull it away from the nucleus. Okay, so students, if you like the video, please subscribe our channel. Thank you so much.